नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश सिंह और आप देख रहे हैं YouTube चैनल SS ऑटो केयर। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम बताने जा रहे हैं पलटिना BS6 में सिक्योरिटी अलार्म कैसे लगाया जाता है, इसमें रिमोट से कैसे स्टार्ट किया जाता है, इस बाइक को हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पलटिना बाइक है, यहाँ पर पलटिना है और आप देख सकते हैं यहाँ पर BS6 बाइक है। ये बहुत न्यू मॉडल बाइक है और इसमें हम आज रिमोट सिस्टम लगाने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको रिमोट सिस्टम के बक्स में कुछ इस ऐसा सामान मिलेगा, एक डिवाइस मिलेगा और एक बजर मिलेगा, एक स्पीकर वाला बजर मिलेगा ये, और यहाँ पे कुछ वायर मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं अगर ये सिक्योरिटी अलार्म आपको मंगाना है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। आप जाइए, डिस्क्रिप्शन खोलिए और वहाँ पे लिंक पे जाके टच कीजिए और अमेजोन के ऐप में जाकर वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करेंगे तो आपको एक हफ्ते के अंदर घर पे पहुँच जाएगा ये सिक्योरिटी अलार्म। ये लगभग आपको 700 से लेकर 800 के बीच में आपको ये पूरा सेट मिल जाएगा और किसी भी बाइक में ये लग जाएगा, या नया हो या पुराना हो। तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले हम ये सीट कवर को हम निकालेंगे। तो चलिए हम इसको निकाल लेते हैं। देखिए हमने ये सीट कवर खोल दिया है। अब हम इस वायर को कनेक्ट करेंगे और कहां कहां कनेक्ट होगा BS6 में, कौन कौन से पार्ट में कनेक्ट होगा, मैं सब इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर इस वीडियो पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन ऑन कर लें कि हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए इस वायर को हम पहले कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद सिक्योरिटी अलार्म कनेक्ट करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम इस वायर को कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले ये दो पीला वायर इसमें दिख रहे हैं, कितना वायर है। तो सबसे ये देखिए दो पीला वायर इसमें लगा हुआ है। तो दोनों पीला वायर को हम पीछे के इंडिकेटर में यानी पॉजिटिव में दोनों पीला वायर कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए इसको हम कनेक्ट करते हैं। पीछे की इंडिकेटर निकालने के लिए, इंडिकेटर की वायर निकालने के लिए हमें ये डिवाइस निकालना पड़ेगा। तो इसको हम निकाल लेते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से हम इसको निकाल कर इसको अलग कर देंगे। इस तरह हमने अलग कर दिया। अब पीछे देख सकते हैं एक ये कवर है, यहाँ पे देख सकते हैं इस कवर में इंडिकेटर का वायर है। तो ये वायर को हम बाहर की तरफ निकाल लेंगे। इस कवर को हम पीछे की तरफ धकेलेंगे तो दोनों वायर निकल जाएगा, दोनों इंडिकेटर पीछे का। यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों इंडिकेटर का है पीछे वाला वायर। तो इसमें हम इस वायर का पीला जो वायर है, ये पीला वायर इसको कनेक्ट करेंगे। ये पीले वायर को दोनों इंडिकेटर के पॉजिटिव में हम एक एक वायर कनेक्ट कर देंगे। अब ये दोनों वायर को, इन दोनों को पॉजिटिव में करें, इस सॉकेट को हम ये लगाना है हमें इंडिकेटर फ्लशर में। BS6 में इंडिकेटर फ्लशर आप देख सकते हैं इसके साइड में ये लगा हुआ है, ये फ्लशर है ये। तो इसको हम बाहर निकालेंगे। ये देख सकते हैं इंडिकेटर फ्लशर हमने निकाल लिया। अब इस सॉकेट को हम निकाल लेंगे। इस सॉकेट को हमने निकाल दिया। अब इसमें करना क्या है, ये जो रेड वाली वायर है ऑरेंज कलर की, इसमें हम ये डिवाइस की वायर को, ऑरेंज कलर का जो वायर है इसमें हम कनेक्ट कर देंगे। इस तरह हम लगा देंगे और लगाकर फिर वापस हम सॉकेट को लगा देंगे फ्लशर में। ये देखिए लग चुका है, ये दोनों कलर एक हो गया। अब जो, और ये ब्लू कलर का जो वायर है, ये ब्लू कलर का वायर, इस वायर को हम सेल्फ के रिले में कनेक्ट करेंगे। ये सेल्फ का रिले का जो सॉकेट है, जो स्विच में स्विच से सीधा आता है और रिले में जाता है, इस सॉकेट में हम लगाएंगे। इस सॉकेट को भी हम निकाल लेते हैं। इस सॉकेट को भी हम निकाल कर और इसके रेड वाले वायर में, देखिए एक रेड और एक ब्लैक वायर है, तो हम रेड वाले वायर में इसको कनेक्ट कर देंगे। तो इसको भी हम कनेक्ट कर देते हैं। ये देखिए रेड वाली वायर में हमने कनेक्ट कर दिया। अब वापस इस सॉकेट को हम लगा देंगे।
ये हमने सॉकेट में लगा दिया है, देख सकते हैं रेड वाले वायर में। अब हमारा बचता है ये प्लस माइनस बैटरी का वायर, इस वायर को भी हम बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। ये ब्लैक जो वायर है ये माइनस में जाएगा और रेड वायर प्लस में जाएगा। तो चलिए बैटरी का भी वायर हम कनेक्ट कर देते हैं। बाकी बचता है ये दो वायर, तो ये बिना काम का है, इसको छोड़ देंगे ऐसे ही। हम बैटरी में इसको कनेक्ट कर देते हैं, ये प्लस है तो इसमें हम रेड वायर लगाएंगे और माइनस को हम ब्लैक वाले वायर में लगा देंगे। चलिए इसको भी हम फिट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सॉकेट का रेड वाला वायर हमने प्लस में यहाँ पे लगा दिया और काला वाला वायर हमने माइनस में लगा दिया। अब हमें काम बचा है डिवाइस कनेक्ट करने का। तो ये जो बड़ा वाला डिवाइस है यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसको ऐसा जगह फिट करें ताकि थोड़ा भी बाइक को झटका मिले तो इस पर असर आए। तो ये बड़े वाले सॉकेट में हम इस वायर को, वायर के सॉकेट को कनेक्ट कर देंगे इस तरह। ये कनेक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये जो लाल वाला बजर है, हम इधर रख देते हैं लाल वाले बजर को, और इसके सॉकेट को, ये उजला वाला सॉकेट है, इस सॉकेट में आप देख सकें यहाँ भी उजला वाला सॉकेट आ रहा है डिवाइस से, तो इसमें हम कनेक्ट कर देंगे। ये भी कनेक्ट हो गया। अब ये जो स्पीकर बजर है, स्पीकर बजर में काला सॉकेट है यहाँ पे देख सकते हैं, तो इस सॉकेट को भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये काला सॉकेट डिवाइस से निकल रहा है, इसमें भी कनेक्ट कर देंगे इस तरह। ये कनेक्ट हो चुका है। अब इसके रिमोट से हम चेक करते हैं कि ये चलता है या नहीं। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमने सारा डिवाइस को कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पे ये रिमोट है डिवाइस का, दो रिमोट मिलता है साथ में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लॉक है सबसे ऊपर वाला और ये अनलॉक है, यहाँ सेल्फ स्टार्ट होगा और ये अलार्म बजेगा इससे। तो हम लॉक करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं एक बार प्रेस करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा और आवाज़ करेगा। ये देखिए लॉक हो गया। अब ये अनलॉक को के बटन को हम दबाएंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा, ये अनलॉक हो गया। और सेल्फ स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे जो सेल्फ का निशान दिया हुआ है, ये बटन, ये वाला बटन, इसको डबल टच करेंगे तो बाइक स्टार्ट हो जाएगा। बाइक स्टार्ट हो चुका है। अब ये अनलॉक को हम प्रेस करेंगे तो बाइक बंद हो जाएगा। ये देखिए बाइक बंद हो गया। अब जैसे हम लॉक करते हैं इसको, ये लॉक कर दिया, अब बाइक को कोई भी टच करेगा तो बहुत ज़ोर से अलार्म बजेगा। तो चलिए हम टच करके देखते हैं। तो इस तरह ये काम करता है। अब जैसे हम ये अलार्म बजेगा तो चारों इंडिकेटर एक साथ फ्लश करेगा, तो इसको हम अनलॉक करते हैं। ये अनलॉक हो गया। अब मैं आपको इंडिकेटर का फंक्शन दिखाता हूँ कि इंडिकेटर कैसे काम करता है। जैसे हम लॉक कर दिए, यहाँ पे लॉक कर दिया। अब चलिए आपको इंडिकेटर दिखाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इंडिकेटर है, ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे हम बाइक को टच करेंगे, चारों इंडिकेटर पहले सिग्नल देगा कि कोई बाइक छू रहा है। ये देखिए दोनों इंडिकेटर, इधर का जब भी चल रहा है, आगे का भी चल रहा है। अब ये बंद हो गया, एक बार सिग्नल दिखा दिया। अब दूसरे बार कोई टच करेगा तो अलार्म बजेगा। तो आप देख सकते हैं इस बजर को आप साइड में भी, इधर कवर में चिपका सकते हैं अंदर, और इसको भी चिपका सकते हैं। हमने यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ, शायद आप ना समझ पाए कि कोई हैंडल से स्टार्ट कर रहा है। मैं हैंडल पे आपको दिखा रहा हूँ और ये बाइक स्टार्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ से रिमोट से। ये देखिए डबल टच इसको करूँगा तो स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए स्टार्ट हो गया है।
अब इसको प्रेस करूँगा तो बंद हो जाएगा अनलॉक को, बंद हो गया। फिर एक बार स्टार्ट करता हूँ, ये देखिए स्टार्ट हो चुका है। आपको बाइक की आवाज़ भी सुनाई देता होगा, लाइट भी जल रहा है यहाँ पे। अब इस बाइक को हम बंद करते हैं। तो दोस्तों BS6 में इस तरह ये लगता है। अगर आपको ये सिक्योरिटी अलार्म चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक उसमें पड़ा है, लिंक को टच करके सीधा अपने घर पे सिक्योरिटी अलार्म मंगा सकते हैं। इसका रेट 700 रुपये से लेकर 800 रुपये तक है। तो BS6 हो या BS4 हो, ये सब में इसी तरह ये डिवाइस काम करता है, रिमोट सिस्टम। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।